अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आज हमारा सोशल स्टडीज़ का सेकेंड टर्म का फोर्थ लेक्चर है, लेसन नंबर 7, मीम्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके आज हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करनी है। आपकी बुक के पेजेस हैं 42 to 44। स्टूडेंट्स, ये आपकी सोशल स्टडीज़ की बुक है, ओपन योर बुक्स। This is your book page number 42 and 43. आपकी बुक के पेज नंबर 42 पर लेसन नंबर 7 है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ते के जरिए। आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। राबता एक ऐसा काम है जिसके ज़रिए हम मालूमात को भेज और हासिल कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द पीपल एंड द प्लेसेस। ये हमारी मदद करता है हमें जगहों और लोगों के बारे में जानने के लिए। अर्ली पीपल यूज टू प्ले ड्रम्स, सेंड स्मोक सिग्नल्स एंड पिजन्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। पुराने ज़माने के लोग ड्रम्स का इस्तेमाल करते थे, धुएं के ज़रिए सिग्नल्स भेजते थे और कबूतरों का इस्तेमाल करते थे राबते के मकासद के लिए या एक दूसरे से राबता करने के लिए। टुडे वी हैव मैनी मॉडर्न वेज। आज के ज़माने में हमारे पास बहुत से नए तरीके हैं थ्रू विच, जिनके ज़रिए वी कैन कम्युनिकेट ईजिली, हम आसानी से राबता कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स आर पर्सनल एंड मैस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आम तौर पर जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं वो हैं इनफरादी और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले राबते के ज़राए। पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन राबते के इनफरादी ज़राए। दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये राबते के इनफरादी ज़राए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 43। पोस्टल सर्विस। सेंडिंग लेटर्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। खत भेजना कम्युनिकेशन के राबते के ज़रियों में से सबसे पुराना है। Nearly all cities and villages of our country have post offices. हमारे मुल्क में करीब करीब तमाम शहरों और गांवों में डाक के दफातर मौजूद हैं। We can send letters. हम खत भेज सकते हैं, parcels and money orders to our friends and relatives using postal service. हम postal service के ज़रिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खत, पार्सल और मनी ऑर्डर वगैरह भेज सकते हैं। कुरियर सर्विस हैव मेड द पोस्टल सर्विस मोर एफिशिएंट एंड लास्टिंग। कुरियर सर्विस ने पोस्टल सर्विस को बहुत ज़्यादा काबिल और पायदार बना दिया है। टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स। टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन राबते के सबसे तेज़ ज़राए हैं। वी कैन टॉक टू एवरीवन। हम हर किसी से बात कर सकते हैं एंड एवरीवेयर और किसी भी जगह इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इसका मतलब है कि हम दुनिया में किसी भी जगह पर किसी से भी बात कर सकते हैं।
टेलीफोन और मोबाइल फोन के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, वी कैन कम्युनिकेट, हम रابطہ कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए, ऑन आवर कंप्यूटर्स, अपने कंप्यूटर्स पर, लैपटॉप्स, लैपटॉप पर एंड इवन सेल फोन्स और हत्ता के सेल फोन्स पे। वी कैन ऑल्सो सेंड ऑनलाइन मैसेजेस, हम ऑनलाइन पैगामात भी भेज सकते हैं एंड हैव फेस टू फेस चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से फेस टू फेस चैट भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मैस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बड़े पैमाने पर रابطے के ज़राए। व्हेन वी हैव टू कम्युनिकेट विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, जब हमें लोगों के किसी ग्रुप या मजमे से रابطہ करना होता है, वी यूज मैस कम्युनिकेशन, तो हम मैस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर, अखबार, न्यूज़पेपर इज अ प्रिंटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अखबार हर किसी के लिए मालूमात की एक छपी हुई शक्ल है। पीपल रीड न्यूज़पेपर्स टू गेट डेली अपडेट्स, लोग रोज़मर्रा की मालूमात हासिल करने के लिए अखबार को पढ़ते हैं। रेडियो और टेलीविज़न, दोज हु कैन नॉट रीड और राइट, वो लोग जो पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, दे लिसन टू द रेडियो, वो रेडियो को सुनते हैं, और वॉच प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न, और या टेलीविज़न पर प्रोग्राम देखते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, रेडियो और टेलीविज़न तफरी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। All means of communication are useful for us. रابطے के तमाम ज़रिए हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। Means of communication have turned the world into a global village. रابطے के ज़राए ने या रابطے के इन ज़रियों ने हमारी दुनिया को global village में तब्दील कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर नीचे ये कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। ये तमाम पिक्चर्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, रابطے के ज़रिए हैं। ये वो ज़राए हैं जिनकी मदद से हम एक दूसरे से रابطہ करते हैं। इनमें से कुछ पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं और कुछ मैस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। क्योंकि हमने अभी इस चैप्टर की रीडिंग की है, तो आपको भी पता चल गया होगा कि इनमें से कौन से पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं और कौन से मैस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इन पिक्चर्स को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे ही मैस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, मतलब बड़े पैमाने पर जो रابطے के ज़राए इस्तेमाल होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया। चार्ल्स बबेज इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर, चार्ल्स बबेज ने पहला कंप्यूटर ईजाद किया। जॉन लॉजे बेयर्ड इन्वेंटेड द टेलीविज़न, जॉन लॉजे बेयर्ड ने टेलीविज़न ईजाद किया।
स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है और पिछले लेक्चर्स को भी साथ साथ रिवाइज करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।